कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लम जिंदा हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में के करीब जो कबर है हज़रत आयशा के हुजरे में, वो किसकी है? खुद भी सोचिए, अल्लाह ने अकल दी है, आप खुद सोचिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, जिंदा हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो वो कब्र मुबारक किसकी है? सहाबा ने किसको दफन किया? हजरत फातिमा किसके मरने पर रोई? अबू बकर सिद्दीक किसके मरने पर आंसू बहा रहे थे? उमर फारूक किसके मरने पर कह रहे थे, जिसने कहा मेरा नबी मर गया मैं गर्दन काट दूंगा? बिलाल किसके मरने पर मदीना छोड़कर गए? फातिमा 6 महीने तक किसके मरने के बाद जिंदा रही और किसी ने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी? वो कौन थे जो फातिमा को अपने करीब करके कुछ कहा, फातिमा रोने लग गई, फिर करीब करके कुछ कहा तो फातिमा हंसने लग गई? और हज़रत आयशा ने पूछा फातिमा रोई क्यों थी, हंसी क्यों थी? कहा रोई इसलिए थी कि मेरे बाबा ने कहा था अब वफात का वक्त आ गया है, अब जुदाई का वक्त आ गया है। और हंसी इसलिए थी कि नबी ने कहा था, मेरे बाबा ने कहा था, मेरे खानदान में सबसे पहले तू मुझे आकर मिलेगी। अल्लाह से डरिए, ये गुमराह तरीन अकीदे कबर परस्तों के नबी जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, आप फौत नहीं हुए, ये कुरान के भी खिलाफ हैं। और कहते हैं जी जिसने ये कहा नबी मर गए वो गुस्ताख है। सुना या नहीं सुना? कई लोगों पर हमारे